हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे मटन कोरमा। ये एक बहुत फेमस डिश है दिल्ली की, तो ये स्पेशलिटी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप अपने घरों में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो अब आप हमें बताइए, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी मटन कोरमे के लिए। देखिए, मटन कोरमे के लिए सबसे अच्छा है कि आपको इस तरह का ये गोश्त जो है ये बहुत उमदा होता है मटन कोरमे के लिए। तो हाफ के जी मैंने मटन लिया है। उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे हम 2 चम्मच इस मटन में मिलाएं, क्योंकि मटन को मैरिनेट हमें करना होगा। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ये दही है, दही हम मिलाएंगे 250 ग्राम्स मैरिनेट करने के लिए। 2 टीस्पून हम मिलाएंगे गरम मसाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मिलाना चाहते हैं। और ये धनिया है पिसा हुआ, 2 चम्मच धनिया होगा। मिर्च आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, थोड़ी सी मिर्च। और थोड़े रंग के लिए हल्दी यहाँ पर मिलाएंगे, नमक है। और अब मैं शुरुआत करती हूँ। और प्याज कितनी है? प्याज को हम फ्राई करके निकालेंगे। तो ये कितनी प्याज ली है? तकरीबन हमने 4 बड़ी प्याज ली है। इसको हम फ्राई करके अलग रख देंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो हम मैरिनेट करेंगे पहले वो हम दिखाते हैं। और आपने तेल कितना लिया? तेल हमने लिया है 2 चम्मच बड़े वाले। ओके, तो अब आप इसको मैरिनेट करेंगी जी। अभी देखिए सारा, मैं ये दही इसमें मिला दूंगी। और तो दही आपका था 250 ग्राम जी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबलस्पून लिया है। थोड़ा सा और भी ले सकते हैं इसमें हम। ठीक है, तो ढाई कर ले हम लोग जी, 2.5 जी। और गरम मसाला है, ये था आपका 2 टीस्पून जी। धनिया हमने ये लिया था, 2 टीस्पून धनिया था हमारा। और 1 टीस्पून मिर्च इसमें मिलाएंगे, क्योंकि बाद में हमें बहुत सब कुछ ये नहीं मिलाना है जी। क्योंकि अभी जो है हम सारा मसाला अभी मिला रहे हैं मैरिनेट करने के लिए जी। और हल्का सा रंग के लिए यहाँ पर हम हल्दी देंगे। और ये हमें ध्यान रखना है हल्दी ज्यादा ना हो, नहीं तो रंग चेंज हो जाएगा कोरमे का। नमक अपने स्वाद अनुसार जी, जैसा पसंद हो, क्योंकि कुछ लोग हल्का भी नमक खाते हैं और कुछ लोग ठीक ठाक भी खाते हैं। तो जो मर्जी है आप नमक, क्योंकि देखिए मटन का है और कितनी क्वांटिटी है वो भी एक डिपेंड करता है इस पर। और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे हम। कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से ये पूरा जो गोश्त है उसके अंदर ये दही जो है चला जाए, क्योंकि उसी से फिर मजा आएगा। और इसको हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अच्छा, आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, जल्दी है तो आप कुकर में भी इसको बना सकते हैं जी। ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप पतीले में बनाते हैं तो उसका मजा बिल्कुल अलग होता है, धीमी आंच पर ये बनता है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मिक्स हो रहा है और इसमें आप सब बोटियों को पूरा अच्छे से देखिए इसको मिलाना है, सारा मसाला चला जाए जी। इसको हम साइड में रखेंगे। और अब हम बारी है कि हम प्याज फ्राई करें। ये देखिए हमने तेल लिया था, तो हम इस तेल को अब इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इंतजार करेंगे तेल गर्म हो जाए। कटी हुई प्याज को फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन प्याज हमें करनी है, बिल्कुल प्याज जली हुई नहीं होनी चाहिए, बराबर कटी हुई होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। थोड़ा टाइम लगता है और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, ये भी कहते हैं हल्का सा अगर नमक डाल दो तो प्याज जल्दी से हो जाती है। तो मैं ये जरूर कोशिश करूंगी यहाँ पर, आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नमक अगर हम यहाँ पे डाल दें, चुटकी भर नमक अगर डाल दें तो थोड़ा सा प्याज जल्दी हो जाती है। तो ये आपका नुस्खा हो गया जी। तो आप देख सकते हैं कि प्याज हल्के हल्के हो रही है और अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गई है तो अब हम इसे निकाल लेंगे जी। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और आप एक किचन टॉवल रख सकते हैं, क्योंकि वो जो एक्सेस ऑयल है वो सारा सोक हो जाएगा।
तो आप देख लीजिए आपको इतनी ब्राउन करनी है प्याज, बहुत ब्राउन कर देंगे तो कड़वाहट आ जाएगी कोरमे में। क्योंकि अब हमें मटन क्या तैयारी करनी है, किस तरह से मटन को बनाना है, तकरीबन एक घंटा हमने मटन को भी रखा है। इस बर्तन में हमने प्याज लाल की, उसी में अब हम ये कुछ और मसाले डालेंगे। ये खड़े गरम मसाले हैं? जी, खड़े गरम मसाले हैं, तेज पत्ता, दालचीनी और ये तेज पत्ता, दो तीन इलायची। जी, दालचीनी कितनी इंच होगी? दालचीनी भी आप छोटी दालचीनी डाल सकते हैं, दो तीन काली मिर्चें डाल सकते हैं इसमें, और तीन चार तब से तो मटन आप डालने वाले हो, क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी मिला हुआ है, हमें कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। अच्छा, तो आप आपने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल भी डाला है? जी, एक सर्विंग थोड़ा सा, थोड़ा, क्योंकि हमारा प्याज के साथ काफी सारा ऑयल निकल जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑयल डालते हैं। और ऑयल भी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड भी, और सरसों के इंडियन काफी सारे सरसों का ही यूज करते हैं, जो आपकी मर्जी है वो आप ऑयल यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही आप पतीले में बना रही हैं जी, इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, आंच पर बनेगा लेकिन थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन इसका टेस्ट ज्यादा बिल्कुल देसी आएगा। इसका जो रंग है ना वो बिल्कुल लाल हो जाएगा जी कुछ देर के बाद, जब हम प्याज इसमें थोड़ा सा डालेंगे, ग्राइंड कर प्याज हमें डालनी है, कुछ लोग क्रश करके भी प्याज को डाल देते हैं जी, और उसके साथ साथ आप और थोड़ा सा दही डाल के भी इसे भून सकते हैं, जब बिल्कुल ये जल जाएगा इसका पानी दही का, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और पिसी हुई ग्राइंड कर लीजिए या फिर आप क्रश कर लीजिए, और थोड़ा सा दही, और फिर भूनेंगे एक बार, और उसके बाद आपको जितना भी इसमें ग्रेवी रखनी है अपने हिसाब से आप ग्रेवी को रख सकते हैं। ये अब हम थोड़ी देर ढक के इसको, हमें इसे कितनी देर पकाना है? इसको ये डिपेंड करता है, एक घंटा भी लग सकता है जी इसमें, तो अभी देखना होगा क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि ये दही ने पानी छोड़ दिया है, तो ये अब हमें ये पूरी तरह से इसे हमें ड्राई करना है, तो पूरा इसका पानी हमें मेक श्योर करना है कि ड्राई हो जाए, और फिर जब ये हो जाएगा फिर हम जो हमने प्याज तली थी उसको हम ग्राइंड करके इसमें ऐड करेंगे। तो आपको थोड़ी देर इसे पकाना है, अगर आप लोग इसे कुकर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वक्त कम लगेगा, क्योंकि हम लोग इसे हांडी में बना रहे हैं तो इसमें इसलिए हमें वक्त ज़्यादा लगा है, जो हमने आपसे कहा था पहले ये एक घंटे तक लग जाएगा। तो अब हमें इसे पानी को कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। जो हमने प्याज गोल्डन ब्राउन करी थी हम उसको अब ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्राइंडर से ग्राइंड कर रही हूँ, तो वो ग्राइंड होने के बाद, सॉरी मैं इस टाइम अपना मैंने वीडियो भी बना रही हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई एम होल्डिंग द कैमरा, दैट्स व्हाई। तो आप देख सकते हैं ये ग्राइंड हो गई है प्याज। अब हम जो हमारी ग्राइंडेड प्याज है हम उसको दही में मिलाएंगे भूनने के लिए। तो ये भी एक नुस्खा ही हो गया कि इससे जो सालन का मज़ा है और जो सालन का शक्ल है वो बहुत निखर के आती है। तो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं प्याज थोड़े से दही में, तो आप करीबन एक चम्मच, बड़ा चम्मच दही का ले लीजिए इसमें, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये हम अब भूनते वक्त सालन में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर की तरफ आ गया है सरफेस पे, और ये अच्छी तरह से अब भुनने पर आ चुका है कोरमा। अब हम इसमें जो हमने प्याज और दही मिक्स करा था वो ऐड करेंगे। ये बड़ा ही एक अच्छा नुस्खा है जो आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घरों में, और इससे आप देखेंगे कि आपके कोरमे का जो मज़ा है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसका रंग बहुत अच्छे से निखर के आएगा। तो आप इसको अब अच्छे से भूनिए, थोड़ा सा इसमें दही है तो शायद वो पानी छोड़े, तो आपको इसको पूरी तरह से ड्राई करना है, अच्छी तरह से भूनना है।
आप देखिए कितना अच्छा दिल्ली वाले कोरमे का कलर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कोरमा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें हम ग्रेवी कर रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, अगर आप ना डालना चाहें तो आप नहीं डालिए। ये आधा कप हम इसमें आधा कप पानी डाल रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बने। और अगर आप इसको ड्राई रखना चाह रहे हैं तो आप इसमें मत डालिए, लेकिन बस ग्रेवी होती है तो थोड़ा सा सालन जब होता है तो अच्छा लगता है। तो आप ये देखिए कि इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ज्यादा नहीं डाला है। अब आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया है कोरमा। तो आप देखिए किस तरह से इसका खूबसूरत रंग आया है और तेल ऊपर की तरफ आ गया है। तो अब दिल्ली वाला कोरमा बिल्कुल तैयार है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं कुछ प्याज और नींबू के साथ, घर की रोटी, शीरमाल या तंदूरी रोटी के साथ। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे अपने घरों पर। तो ये देखिए तैयार है दिल्ली वाला कोरमा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको अपने घरों पे ट्राई करेंगे। डोंट वरी, आई विल ऐड द रेसिपी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जस्ट एट द एंड रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू सून।